कोटा शहर के नगर निगम दक्षिण के रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र स्थित 8 वार्डों के पार्षदों ने पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व में एसटीएन ने वार्ड 29 और वार्ड 7 में पानी की समस्या को लेकर खबर दिखाई थी, जिसमें अधिकतर सरकारी नलकूप और ट्यूबवेल का पानी सूख चुका है। लोगों को दूर से पानी भरकर लाना पड़ रहा है, लेकिन जब लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले निगम के पार्षद इकट्ठा होकर जलदाय विभाग पहुंच गए। उनके साथ स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने जलदाय विभाग के विरुद्ध जोरदार नारेबाजी की, अधिकारियों से अपनी समस्या को लेकर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि उनका ब्लॉक रामगंज मंडी क्षेत्र में आता है, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जलदाय विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह पानी के टैंकर की समुचित व्यवस्था कर उनके इलाके में पानी पहुंचा देंगे। कितनी समस्या है यहाँ पर, कितनी बार हम आ चुके हैं, ना तो प्रेशर आता है और बहुत छोटे छोटे काम किए वो भी कंप्लीट नहीं करके दे रहे, ना ये पाइप लाइन डाल रहे हैं। किन किन इलाकों में समस्या ज्यादा आपके? बालाजी नगर में समस्या ज्यादा है। जी जी, सेक्टर 2 में ज्यादा है पानी। आज पूरे रामगंज मंडी के जो 8 वार्ड है उनकी समस्याओं को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से मिलना है। हम कंटिन्यू इनको फ़ोन कर रहे हैं, इनके अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अधिकारी वहाँ आना ही नहीं चाहते। लोग बाग खरीद खरीद के पानी पी रहे हैं। मैं आपको डेटा दे सकता हूँ, जिनके घर में कैंपर से पानी, किसके क्षेत्र में समस्या हो रही है, कहाँ कहाँ पे ले रहे हैं इस तरह? पूरे मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 6 का पार्षद हूँ नितिन, तो मेरे वार्ड में तो पूरी प्रॉब्लम हो ही रही है, और पूरे रामगंज मंडी के 8 वार्ड है, तो वहाँ सारे वार्डों में प्रॉब्लम पानी की काफ़ी ज़्यादा है। लोगों में परसों से 2 दिन में जी जी ठीक, जहाँ भी आवश्यकता होगी 2 दिन के अंदर हम परसों से टैंकर चालू कर देंगे। एसटीओ साहब से प्रस्ताव तुरंत लेके सैंक्शन करवा के परसों से टैंकर चालू कर देंगे।